फोन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद। ललितपुर लॉकडाउन के दौरान समस्त जनपदवासियों से घरों में रहने की गई अपील। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर। दिनांक 28/3/2020 को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं जागरूकता के लिए अपील की गई। इस क्रम में जिलाधिकारी ललितपुर योगेश कुमार शुक्ला, पुलिस अधीक्षक ललितपुर कैप्टन निजामुजर बेग द्वारा शहर व कस्बा पाली में भ्रमण शिविर रहकर जनता से अपील की गई। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं किस तरह डीएम और एसएसपी जनता से घर में रहने की अपील कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए समस्त जनपद वासियों से अपने अपने घर में रहने की अपील की गई। पुलिस अधीक्षक ललितपुर कैप्टन मिर्जा मंजर बेग द्वारा कस्बे में नागरिकों से बातचीत की गई व कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जनता को लगातार जागरूक किया गया। शहर ललितपुर के घंटाघर, शनिचरा, फलमंडी व नदीपुरा में भ्रमणशील रहकर नागरिकों से घरों में रहने हेतु अपील की गई और बताया गया कि जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यकता की चीजें आपके घर तक उपलब्ध कराई जा रही है। मेरठ मित्र से नवेद खान की रिपोर्ट। व्यवस्था है, हम बेटा ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं? गुड। अंदर घर में रहना है, ठीक है बेटा? नाम बता दो। सभी लोग घरों में रहेंगे, ठीक है? खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र। जय हिंद।